दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही छोटे से प्लान की, जिसका साइज है 16x36, 16x36 फिट। इसी प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान है और यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो थ्री साइड क्लोज्ड है। मतलब ये घर की अगर हम बात करें तो तीन साइड से बंद आपको देखने वाला है। देखिएगा प्रॉपर तरीके से मैं दिखा दूँ, जिसमें जो टेक्सचर दिया है वो ईंटों का टेक्सचर दिया है। यहाँ पर कोई भी पेंट या कलर या प्लास्टर नहीं है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, जो बहुत ही सिंपल और बेहतरीन सा होने वाला है। यहाँ पर स्टेयर्स भी मैंने बाहर से दी हैं, इससे आप चढ़कर आसानी से ऊपर पहुँच सकेंगे। और रेलिंग की बात करें तो वो आपको दिख रही है कि स्टाइलिश और मॉडर्न रेलिंग देखने को मिलती है, जो कि स्टील के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। गेट की बात करें तो ये मेन डोर है आपका, जो कि वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर यूज किया है। इसी प्लान को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए मैं नए नए मॉडल्स, नए नए डिज़ाइन लगातार लाता रहूं। तो अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, जिससे वीडियो आप तक हमारा रेगुलर और लगातार पहुंचता रहे। तो मेन डोर की बात करें, ये मेन डोर है। ग्राउंड फ्लोर की बात करता हूँ मैं सबसे पहले आपको, तो ये ग्राउंड फ्लोर आपको देखने को मिल जाता है, जिस ग्राउंड फ्लोर पर आपको सबसे पहले 16 फिट चौड़ाई का है और 36 फिट लंबाई का है। और फ्रंट में मैंने तीन कॉलम दिए हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में मैंने गेट को एडजस्ट किया है और सेकेंड और थर्ड में स्टेयर्स को एडजस्ट किया है। यहाँ पर मैंने पूरी वॉल इस वजह से नहीं क्रिएट की है, इसे हम प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाएँ। अब देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, इसलिए मैंने वॉल यहाँ क्रिएट नहीं की है। अब अगर बात करें इस स्टेयर से, मेन डोर से जैसे आप अंदर जाएंगे तो अब आप स्टेयर से चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेयर से चढ़ते जाएंगे और इसके बाद टर्न होकर आप ऊपर आ जाएंगे। इसके नीचे अपनी बाइक वगैरह आप पार्क कर सकते हैं। इसके बाद ये गैलरी टाइप की है। इस गैलरी से जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये आपको एक बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम का डोर गैलरी से दिया है और गैलरी पर एक विंडो भी दिया है, आगे फ्रंट से भी विंडो दी है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें मिलता है। तो इस बेडरूम का वेंटिलेशन आपको आगे से और साइड से मिलता है। फिर इसके बाद गैलरी से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपका एरिया है, जो कि लेटरन बाथ का कमांड, काफ़ी बड़ा एरिया है लेटरन बाथ का, जो आपको मिल जाता है गैलरी साइड से यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जैसे आप और आगे जाते हैं तो इस कॉर्नर पर आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है और ये आपका किचन एरिया है। आपका गैलरी में ही किचन मैंने क्रिएट किया है लम्बाशा, और उसमें डोर गैलरी से ही दिया है और इस गैलरी से बेडरूम में। तो 16x36 16x36 फिट में आपको दो बेडरूम के साथ किचन, लेटरन बाथ, स्टेयर, गैलरी, साथ साथ बाइक पार्किंग की जगह मिल जाती है। तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। आप जिसे मैं जूम करके आपको और दिखा दूँ, इसका रियलिस्टिक व्यू आपको देखने को मिल जाए, पिलर्स वगैरह कहाँ पर बने हुए हैं और इसमें जो सारा टेक्सचर यूज किया है वो ईंटों का मैंने किया है। पीछे से भी आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपका घर बनकर रेडी हो जाता है, जो कि 16x36 फिट में है। बात करें फर्स्ट लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री मैंने दिया है। फ्रंट में जो ग्रिल दिया है, जो रेलिंग दिया है, वो स्टील का कॉम्बिनेशन है, स्टील के पाइप हैं और उसी का कॉम्बिनेशन करके मैंने यहाँ पर ग्रिल को बनाया है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें। अगर एस्टीमेट कॉस्ट की बात करें तो आप इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं एप्लीकेशन की मदद से। एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा स्मॉल हाउस प्लान पर, सॉरी प्ले स्टोर पर, जिसका नाम है स्मॉल हाउस प्लान। आप से डाउनलोड कर लें, एस्टीमेट कॉस्ट और मटेरियल आप आसानी से वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।